ये जो घटना स्थल है ये अपने लामाना से ब्यावर की तरफ है, करीब 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और ये 8 तारीख की रात को की घटना है कि 10:36 पे ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इस पे ट्रैक पे किसी ने जो रेलवे का सिग्नल ही है, इसमें एक ब्लॉक रखे हुए हैं उसी को ट्रैक पे रख दिया गया है। तो जैसे ही उसमें ट्रेन टकराई तो लोको पायलट ने ब्यावर के स्टेशन मास्टर को इसके बारे में सूचना करी। फिर मौके पे आरपीएफ के जवान और अधिकारी आए, उन्होंने निरीक्षण किया और कल ये मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका इन्वेस्टिगेशन कर। करीब 40-50 kg का वजनी लग रहा है और लगता है कि एक आदमी तो उसको नहीं रख पाएगा। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा है? रेलवे एक्ट 150 और 152 और 3 PDPP एक्ट में मुकदमा। तो 8 सितंबर की वो रात जहां दो दो जगहों पर दो ट्रेनों को डीरेल करने की कोशिश हुई है। पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं क्योंकि कानपुर में कैसे कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने के लिए वहां सिलेंडर रखा गया था, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये भी 8 तारीख की ही तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जो अजमेर में मामला सामने आया, 70-70 किलो के सीमेंट के ब्लॉक्स जो रखे गए, ये भी 8 तारीख की ही तस्वीर है। यानी 8 सितंबर की रात को एक बड़ी घटना को अंजाम देने का ये पूरा प्लान था। ये जो पैटर्न है ये बार बार फॉलो हो रहा है, ये यूं ही नहीं हो रहा है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक ही रात में दो जगहों पर ट्रैक पर ऐसे सामान रखना कि ट्रेन डीरेल हो जाए, पलट जाए, ये साजिश है। और इसके सूत्रधार कौन है ये समझना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि एक रात में दो शहरों में अलग अलग प्रदेशों में ट्रेन को टारगेट किया गया। 8 सितंबर की रात को दो जगहों पर साजिश रची गई, बकायदा प्लानिंग की गई। कानपुर में सिलेंडर और पेट्रोल बम लगाए गए, वहीं अजमेर में दो जगह सीमेंट ब्लॉक लगाए गए। रात 8:30 से 10:30 का समय चुना गया। क्या भारतीय रेल आतंकियों के निशाने पर है, नजर उनकी इस पर है, ये सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है। एक रात दो शहर और एक जैसी साजिश आखिर कैसे हुई, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है क्योंकि एक ही रात पे दो दो जगहों पर एक जैसी घटना यूं ही तो नहीं हो सकती। इसके पीछे कुछ तो वजह होगी और वजह यही लगती है कि ये प्लानिंग है, दहलाने की प्लानिंग है। जो हमने आपको कल भी बताया था कि फरतुल्ला घोरी लगातार भड़काऊ वीडियो शेयर कर रहा है, प्रोपोगेंडा ऑडियो शेयर कर रहा है और ये भड़काने की स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने की कोशिश, ऐसा लग रहा है। हालांकि जांच इस मामले में चल रही है, लेकिन आपको बताते हैं कि उस दिन कानपुर में 8 तारीख की रात में क्या-क्या सामान मिला था, ट्रैक पर क्या-क्या चीजें रखी थी। सिलेंडर रखा था, सिलेंडर में एलपीजी गैस होती है, आपके घरों का चूल्हा जलता है, लेकिन आग लगाने का काम हुआ हो सकता था क्योंकि बारूद भी वहां रखा हुआ था। इसके अलावा क्या रखा था यह भी आपको बता देते हैं, माचिस रखी थी, पेट्रोल रखा था और संदिग्ध बैग भी रखा था। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को मिलाएं, सिलेंडर, बारूद और पेट्रोल, ये तीनों ही चीज एक माचिस की तीली से किस तरह से भभक कर आग लगा सकते हैं, कैसे पूरी की पूरी ट्रेन को अपनी चपेट में ले सकते हैं, ये आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है, ये आपके लिए समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और ये तैयारी उसी चीज की लग रही थी, इसीलिए कल कहा जा रहा था गिरिराज सिंह की तरफ से और नेताओं की तरफ से कि ये गोधरा पार्ट 2 करने की तैयारी थी, ट्रेन में आग लगाने की तैयारी थी, लेकिन ये खुदा न खास्ता बच गए। ये बहुत बड़ी बात है, राहत की बात है कि अजमेर में भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई, ये बहुत बहुत राहत की बात है। लेकिन तस्वीर आपको चलिए दिखा देते हैं किस तरह से अब कानपुर में ये देखिए क्राइम ब्रांच एक्टिव हो गई है, क्राइम ब्रांच एक्टिव हो गई है, पूछताछ हो रही है, संदिग्धों को पकड़ा गया है क्योंकि जो सिलेंडर था वो कहां डिलीवर हुआ, किसके नाम पर था, उसका जो नंबर था उससे भी पहचान करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में संदिग्धों से ये पूछताछ की जा रही है, क्राइम ब्रांच अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। कई लोगों को देखिए हिरासत में लिया गया है और कानपुर में इससे पहले साबरमती एक्सप्रेस को भी ऐसे ही डीरेल करने की कोशिश हुई थी, तो क्या उससे भी तार जुड़े हुए हैं? तमाम पहलू हैं जिस पर जांच चल रही है, किस तरह से लोगों से पूछताछ हुई है, कितनी आगे बढ़ी है पूछताछ, सारी डिटेल आपको दे रहे हैं। देखिए कानपुर ट्रेन डीरेल साजिश में जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई, क्राइम ब्रांच ने 13 और लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया है। अब तक कुल 27 लोगों से पूछताछ की जा रही है, शिवराजपुर थाने में ये पूछताछ हो रही है। पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर्स को भी हिरासत में लिया है जिन पर शक हो रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जिस मिठाई के डब्बे में बारूद मिला उसकी भी जांच हो रही है कि डब्बा यहां से लेकर कौन गया था। कानपुर मामले में इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं, NIA भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। देखिए अब एक और एंगल से जांच हो रही है क्योंकि अब हिस्ट्री शीटर्स के नाम भी सामने आ गए हैं, लेकिन एक और एंगल है जिससे जांच हो रही है, जमातियों का नाम भी सामने आ रहा है। क्यों सामने आ रहा है डिटेल आपको बता देते हैं, डिटेल आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि देखिए शक हो रहा है। कालिंदी एक्सप्रेस मामले में ATS जांच कर रही है,
साजिश को लेकर एटीएस को अब जमातियों पर भी शक है। जांच एजेंसी एनआईए ने भी एटीएस से संपर्क साधा है, उनसे जानकारियां ले रही है। वहीं कुछ संदिग्धों से लगातार पूछताछ हो रही है। मकनपुर में दरअसल हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह की मजार है। इस मजार पर पूरे देश से जमाती आते रहते हैं और जमातियों के बीच साजिशकर्ता हो सकता है, इसका शक जाहिर किया जा रहा है। और ऐसे में इसी लिहाज से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जनता से एडीजी प्रकाश डी ने क्या अपील की है वो आपको सुनवा देते हैं। रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा। मैं आप लोगों के जरिए भी मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं, इस घटना के संबंध में कोई भी सूचना देना चाहेगा उत्तर प्रदेश जीआरपी की जो कंट्रोल रूम नंबर है 94 54 40 25 44 9454042544, इसमें आप सूचना दे सकते हैं। आपके सूचना गोपनीय रखा जाएगा, जो लाभभद्र सूचना देगा उनको हम पुरस्कार भी देने के लिए तैयार हैं। तो कानपुर टू अजमेर ये रेल जिहाद कौन करने की कोशिश कर रहा है, इसको लेकर भी बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, बड़े खुलासे हुए हैं। आईएसएस खुरासान का नाम इसमें सामने आ रहा है। डिटेल चलिए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। रेल जिहाद में आईएसएस खुरासान की साजिश का शक जाहिर किया जा रहा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर शक हो रहा है, क्योंकि सबूत मिले हैं और सबूत आईएसएस खुरासान की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आईएसएस खुरासान का पैटर्न सामने आ रहा है दोनों ही मामलों में। इससे पहले भी जिस तरह से ट्रेन्स के ट्रैक को टारगेट किया गया है, खुरासान आतंकी अकेले हमला करते हैं, लोन वुल्फ अटैक करते हैं, वो अकेले ही ये प्लान करते हैं, अकेले ही एग्जीक्यूट करते हैं। लोन वुल्फ अटैक की इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, रोजाना इस्तेमाल वाली चीजों को हथियार बनाते हैं। आप देखिए रोजाना इस्तेमाल वाली चीजें ही यहाँ पर देखी गई, चाहे सिलेंडर की बात कर ले, चाहे पेट्रोल की बात कर ले, बारूद की बात कर ले, बारूद उन्होंने अरेंज किया, माचिस पेट्रोल ये तमाम जो चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम वहां पर देखें अजमेर की बात करें तो वहां पर भी जो ब्लॉक 70-70 किलो के जो ब्लॉक रखे गए वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इन हथियारों से ज्यादा नुकसान पहुंचाना इनका मकसद होता है। और कानपुर की साजिश भी खुरासान मॉड्यूल जैसी ही लग रही है। कुछ साक्ष्य भी ऐसे मिले हैं जो इशारा कर रहे हैं, पिछले दिनों कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, कुछ संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई थी जो बता रही है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता है। फिलहाल इस मामले की जांच एनआईए एटीएस हर लिहाज से कर रही है, क्योंकि यहां पर अब आतंकी एंगल भी सामने आ चुका है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। कानपुर और अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई। कानपुर में जहां पटरी पर धमाके का साजो सामान बिछा दिया गया था, वहीं अजमेर में जिहादियों ने पटरी पर 70-70 किलो के सीमेंट ब्लॉक लगा रखे थे। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस निशाने पर थी, तो वहीं राजस्थान के अजमेर में मालगाड़ी को डिरेल करने का मंसूबा था। जिहादियों ने एक ही रात में दो अलग अलग राज्य के अलग अलग शहरों में ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश की। शहर भले अलग हो लेकिन मंसूबा और उसे अंजाम देने का पैटर्न एक ही है, जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पटरी पर दो सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने दो ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24, 150/152 रेलवे एक्ट और 3 PDP एक्ट, पता लगते है शीघ्र गिरफ्तारी भी की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से रेल हादसों में तेजी आ गई है, वहीं कानपुर और अजमेर जैसी साजिशें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही हैं। कानपुर में एजेंसियां जमात के एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। दरअसल कानपुर के पास मकनपुर में हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह की मजार है, जहां बड़े पैमाने पर देश विदेश से जमातियों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में शक है कि इन जमातियों के बीच कोई जिहादी भी एक्टिव हो सकता है। साजिशों के नए नए एंगल सामने आने के बाद बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है। कुछ लोग अपनी राजनीति ना चमकाएं, और अगर इस तरह के थ्रेट्स और इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनकी गंभीरता के साथ जाँच होनी चाहिए
और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस की जुबान और टुकड़े टुकड़े गैंग पार्टियों की जुबान बंद क्यों है? 20-25 रेल की दुर्घटना हो गई, हुई नहीं, करने की कोशिश की गई, पटरी से उतर गया, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान नहीं खुली। कांग्रेस ने जमातियों को टूल बनाया है ऐसे दुर्घटना करने के लिए, भारत को अस्त व्यस्त करने के लिए। राहुल गांधी को इस पर जवाब देना। कानपुर में डिरेल हादसे की जांच में जुटी एजेंसियां अब शाहरुख नाम के युवक की तलाश कर रही हैं, जिस इलाके में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया था वहीं के मुंडेरा गांव में शाहरुख रहता है। वो एक हिस्ट्री शीटर भी है। इससे पहले वो कुछ दिन आगरा में था और वहां से भी फरार है। पुलिस ने अब तक जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनमें से अधिकतर संदिग्ध इसी इलाके के हिस्ट्री शीटर हैं। फिलहाल इस मामले में जांच एजेंसियां आतंकी एंगल से भी जांच में जुटी हैं। अब देखना ये होगा कि जिन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है क्या उनसे कोई बड़ा खुलासा होता है या फिर पटरियों पर खतरनाक साजिश का कोई नया एंगल सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।